वेलकम टू माय चैनल मौसम चेंज हो चुका है क्लाइमेट पूरी दुनिया का चेंज है और यहाँ पर भी काफ़ी सर्दी हो गई है जिसकी वजह से मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बना सकी हूँ तो इस ठंडे ठंडे वेदर में इस ठंडे ठंडे मौसम में आज मैं करने लगी हूँ गर्मा गर्म बात और गर्म गर्म बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें कुछ मेरे भाई जो हैं मुझसे नाराज़ हों कि मैंने इस तरह की बातें की हैं मगर यकीन जाने कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है मैंने किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट करके नहीं की है मैं जनवन बात जर्नल बात करने लगी हूँ कि कुछ ऐसा होता है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं वो इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ या आपके साथ बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ सो so, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मेरा किसी के साथ किसी को मेरे हर्ट करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है तो मैं बात करने लगी हूँ कि आ, दामादों की आज Uh, जिस घर में जब हमारी वैसे भी जब हमारे घर में बेटियां पैदा होती हैं बेटी पैदा होती है तो हम कह देते हैं कि ये पराया पर, पराया धन है ये इसने दूसरे घर चले जाना है ये पराई है मुझे समझ नहीं आती कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं हमारी बेटी है हमने पैदा की है हमारे हमारे जिस्म का हमारे दिल का टुकड़ा है हमने उसे इतने प्यार से और इतनी चाहत से शहज़ादियों की तरह उसको पाला है और पालते हैं और फिर हम उसको आ, किसी दूसरे के हाथ में उसका हाथ दे देते हैं और शुरू से ही बोलने लग जाते हैं कि वो पराई है पराई है बेटी कभी पराई नहीं होती है बेटी हमेशा अपनी रहती है बेटी हमेशा आपका साथ कभी नहीं छोड़ती तो इस वजह से बेटियां कभी पराई नहीं होती हैं अच्छा जी दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने आ, कुछ चीज़ें बड़े गौर से मैंने इस चीज़ों को इन बातों को महसूस किया है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि जब बेटी आ, ये कुदरत क्या निज़ाम है ये खुदा की तरफ से है कि खुदा ने औरत को इस तरह का बनाया है और वो इसी तरह से मतलब आगे आगे उसका जब वो पैदा होने से शादी इवन के उसकी डेथ तक की प्रोसेस चलता रहता है और मैं ये आ... देखा है कि बेटियां जब शादी हो जाती है जब हम दूसरे दिन अपने माँ बाप के घर पर जाते हैं तो हम जब दूसरे दिन क्या उसी वक्त भी जब हम जाते हैं तो हमें वो घर पर आया लग, अपने ही माँ बाप का घर पर आया लगना शुरू हो जाता है इसलिए कि कुदरत ने औरत के अंदर एक ऐसा एक फीलिंग्स बनाई हुई हैं कि उनको उसको समझ आ जाती है या वो फील करती है कि मेरे माँ बाप का घर शायद आज मेरा नहीं रहा तो ये बेटियाँ भी थोड़ा सा गलत करती हैं यहाँ पे माँ बाप का घर हमेशा आपका घर रहता है माँ बाप का घर हमेशा बेटियों के लिए उस घर के दरवाज़े खुले रहते हैं और जब वो दूसरे दिन उठती है सुबह वॉशरूम से आती है तो अपने बाप के घर का टावल तक यूज़ नहीं करती वो अपने बैग में से अपना टावल निकाल के जो ससुराल से लेकर आई है वो यूज़ करती है जिस किचन में जिस फ्रिज के अंदर वो अपनी चीज़ें हर चीज़ एक अपना समझ के खा लेती है ये कर लेती है दूसरे दिन जब वो निकाह करके दूसरे दिन आती है तो फ्रिज में से अपनी मर्जी से अपने मतलब अपने आप में ही एक वो होती रहती है कि मैं इस फ्रिज को खोलूँ या ना खोलूँ वो उठ के पानी तक नहीं उस फ्रिज में से पीती तो ये आ, इस तरह की चीज़ें चलती हैं लेकिन बेटा जो है बेटा कभी ससुराल ससुराल का नहीं हो पाता पता नहीं ऐसा क्या है क्या चक्कर चलता है क्या आ, वो अपने ससुराल को अपनी वाइफ के घर को कभी अपना नहीं मानता जिस घर में ज़्यादा बेटियाँ होती हैं उस घर को डिफरेंट सोच के डिफरेंट स्टाइल रखने वाले और घर के माहौल के डिफरेंट दि, टाइप के दामाद मिलते हैं जिनको माँ बाप को ज़्यादा बेटियों वालों को बड़ा मुश्किल होता है कभी एक दामाद नाराज़ कभी दूसरा दामाद नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाते हैं तो वो नाराज़ वो नराज, उसको मना लिया तो पहला ना इसी तरह से उनकी ज़िंदगी बेचारों की चलती रहती है तो कहने का मकसद ये है कि अब दमाद किस किस किस्म के होते हैं हम उसके ऊपर थोड़े से बात करते हैं अपनी नज़रसानी करते हैं कि क्या है आखिर दमाद आ, की जो आदतें होती हैं वो डिफ़रेंट क्यों होती हैं और कैसे होती हैं सबसे बड़ा दामाद जो होता है जी वो घर का बड़ा लाडला होता है और सब जब बड़ी बहन जब बड़ी बेटी उस घर के आना होता है तो बड़े घर में इंतज़ाम होते हैं खाने पक रहे हैं सफाइयाँ हो रही हैं क्लिनिंग हो रही है और आ, मतलब बहुत उनके वेलकम करने के लिए बहुत सब लोग बड़े पुरजोश होते हैं कि हमारी घर की बड़ी बेटी आ रही है और फिर होता ये है कि जनाब जी दमाद आते हैं तो चाहे उनके लिए कितना भी करके रखा हो वो साइड पे लग के अपना हाथ यूँ रख के तो अपने ही स्टाइल में ना किसी से बात करते हैं ना किसी से ज़्यादा घुलना मिलना चाहते हैं और उनसे कोई बात करो तो ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं कई दामाद ऐसे होते हैं अच्छा जी कुछ दामाद ऐसे होते हैं कि उनको चौधरी बनने का बहुत शौक़ होता है अपने ससुराल आके वो चाहे उस घर की बेटी को जो उसकी वाइफ है उसको ख़र्चा उसका कपड़े तक तो उसको बना के नहीं दे दे सकता और बच्चों की एजुकेशन नहीं कर सकता उसमें मदद नहीं करता कुछ नहीं कर, कर सकता लेकिन जब वो ससुराल आएगा तो वो चौधरी बन के बैठेगा कि हर बात पहले मुझसे अगर खाना दिया है तो खाना सबसे पहले मुझे परोसा जाए दूसरे को परोस दिया तो मेरी इज़्ज़त नहीं की इन्होंने इन्होंने पहले मुझे तो दवाद ही नहीं समझते इस तरह की टोंट और इस तरह की बातें वो करना शुरू हो जाते हैं तो फिर सब उसकी तरफ हो जाते हैं कि नहीं जी आप हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हो आप उनको खाना देंगे उनको मनाना शुरू कर देंगे तो ये मैं एक ज़्यादा बेटियों वाले घरों वालों की बात कर रही हूँ कि उनको काफ़ी कुछ सामना करना पड़ता है और कुछ दामाद ऐसे होते हैं जी कि हर वक्त अपनी बीवी को उसकी बहनों के बारे में और उसके भाई के बारे में उनके वालिद के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं वो अच्छे नहीं हैं उनको ये नहीं पता उनको इस तरह नहीं पता ये ऐसे नहीं करना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था हर वक्त हर वक्त जब वो अपनी वाइफ को इस तरह से हर वक्त हर वक्त बोलते रहते हैं ना तो वाइफ़ फिर क्या करती है अपनी ही बहनों को वो फिर बातें करना शुरू हो जाती है और उसके बदले में ये होता है कि वो अपने ही घर वालों से अपने ही बहन भाइयों से दूर 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 होती जाती है और वो एक्चुअली अपने लिए अपने आप से कुछ नहीं बोल रही होती है वो अपने हस्बैंड की ज़ुबान बोल रही होती है और वही दूसरों को बुरा लग जाता है कि मतलब हमारी बहन भी हमारे ख़िलाफ़ हो गई है तो कुछ दामाद तो जी इस तरह से खेलते हैं और कुछ दामाद ऐसे होते हैं कि वो अपनी बीवी को उसकी अपनी सगी बहनों के पास भी बैठने नहीं देते माँ के पास भी बाप के पास भी भाई के पास भी उनको उस घर में छोड़ते नहीं हैं जाते हैं कहते हैं नहीं मेरे साथ चलो मेरे साथ वापस आ जाओ फिर साथ भी चलते हैं तो हर वक्त हर वक्त उसके वो अगर किचन में गई है, तो तुम क्या करने गई हो चाय वो बना के ले आएंगी ना आपकी भाभी ले आएंगी फलां ले आएगा तुम क्यों बना रही हो बैठ जाओ यहाँ पर मेरे पास मीन ये कि कहने का मतलब ये कि वो चाहते ये हैं कि हमारी वाइफ जो है वो अपने घर वालों के साथ कुछ सीक्रेट को, कोई आपस में कोई बात ना कर सकें न जाने ऐसे क्या होता है कि वो ऐसी क्या सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो वो चाहते हैं कि हमारी वाइफ जो है वो अपने बहन भाइयों से भी ना बात करे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात आपके घर पे होती भी है तो आप घर से समझा के लेकर कर आएँ कि ये अब आपका घर है अगर आप हमारे घर की बातें वहाँ करोगे और उनके साथ हंसोगे या डिस्कस करोगे तो ये समझ लो कि ये आपके घर की ही बदनामी है तो आप अपनी इस इस घर की बातें उस घर में या उस घर की बातें इस घर में नहीं आनी चाहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा जनाब के अगर आप अपनी वाइफ को घर से ही समझा के लेकर कर आएँ लेकिन जब वो अपनी बहनों के पास आती हैं तो आप उनको बैठने दें उनको थोड़ी सी स्पेस दें वाइफ को ताकि वो अपनी बहन भाइयों के साथ सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके क्योंकि महीने में एक बार दो बार आ जाती होंगी घंटे दो घंटे के लिए आ जाती होंगी तो अगर वो अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए और फिर इसके साथ और भी बहुत कुछ होता है कि साले बेचारे मतलब पिसे हुए होते हैं और कोई भी बात होती है जैसी भी बात होती है दामाद उठ के बोलना शुरू कर देते हैं और मैं ज़रूर बोलूँगी उन मतलब भाइयों से कि और अब जो बच्चे हैं अब के जो अब शादी करने वाले हैं तो बेटों के लिए बेटों से मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप देखें अगर आप अपनी वाइफ़ को प्यार करेंगे वाइफ को प्यार करते हैं तो आपको उसकी फैमिली को भी प्यार करना चाहिए उसकी फैमिली को भी अपनी फ़ैमिली समझना चाहिए कि वो भी मेरी फ़ैमिली है अगर कहीं पर आप उनको वो कोई गलत फ़ैसला कर रहे होते हैं आपकी वाइफ अगर आपके साथ डिस्कस करती है तो आप उसमें शामिल हों आप ताने ना मारें आप ये ना बोलें कि ये 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 इस तरह कि तरह कर रहे हैं ये तो गलत किया है या जो पिछले फैसले हो चुके है, उनके हैं उनके ऊपर पॉइंट आउट करें या आ, ये बोले कि तुम्हारी बहनें ऐसे क्यों करती हैं वैसे क्यों करती हूँ ये मुझे नहीं लगता कि जब देखें जब आपके बाप जब आप मैरिड uh, होती हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे फादर का या मेरे भाई का मेरे माँ बाप का और मेरे भाई का मुझ पर पूरा हक़ था कि वो मैं कुछ ग़लत कर रही हूँ पहन रही हूँ तो वो मुझे बोलें और शादी के बाद ओब्सली हस्बेंड का सबसे पहले आ जाता है कि हस्बैंड को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि ये ये ना पहने ये वो ना पहने यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए तो वाइफ़ को हंड्रेड परसेंट उसकी बात सुननी चाहिए उससे ये होता है कि घर में इतमान रहता है सुकून रहता है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो पहला हक तो हसबैंड का हो गया उसके बाद बाइक और बाप का हो गया कि जी आप अगर उनको बुरा लगता है तो वो किसी बात से अपनी बेटी को मना कर सकते हैं लेकिन आप पूरे घर को आप अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहें कि आपकी मर्ज़ी से वो चले घर तो फिर आप वैसा बन के दिखाएं आप फिर वैसे अपना एटीट्यूड रखें अपने ससुरालियों के साथ कि वो ये समझें कि ये हमारा बड़ा भाई है इसने अगर आज ये बोल दिया है तो आप अपना हक जमा ए आप अपना हक जमाने के लिए भी आपको प्यार करना पड़ेगा अपने ससुरालियों से अपने सालियों से अपनी साले से उनको बहन भाई समझना पड़ेगा सो so, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ अब नए यंगस्टर जो जिनकी शादियाँ होनी है कि प्लीज़ आप अपनी वाइफ को भी उतना प्यार जितना प्यार आप अपनी वाइफ को करते हैं उतना अपने ससुरालियों को भी अपना समझें कि वो भी आपका घर है आप घर जाके बीवी को ताने मत मारें इस तरह से बोला या तुम्हारे बहन भाइयों को तमीज़ नहीं है इस तरह की वर्डिंग ना बोलें क्योंकि जब आप घर जा कर फिर आप बीवी को ताने मारते हैं तो फिर बीवी सोचती है कि नेक्स्ट टाइम ये साथ ना ही चले तो अच्छा है क्योंकि हमारे घर तो अगर आप ये छोटी चुट छोटी चीज़ें इग्नोर करेंगे उनको छोटी बहनें समझेंगे तो ऑब्वियसली आप भी वहाँ पे खुश होंगे और आप एक तरह से उसको उस फैमिली के अंदर आप रच बस जाएंगे और वो भी आपके साथ उतना ही प्यार करने लगेंगी उतना ही रच बस जाएंगी और आपकी मानेंगी भी नहीं मानेंगी भी लेकिन इसके लिए आपको अप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मैंने अपने जिस तरह से वाइफ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके घर आई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ़ अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करनी है कोई ख़दमत नहीं करनी रोज़ सुबह शाम उनको खाने बना बना के नहीं देने आपने कुछ नहीं करना आपकी वाइफ ने बल्कि आपकी फ़ैमिली के लिए सब कुछ करना है तो आपका काम है सिर्फ वाइफ़ की फैमिली की इज़्ज़त करें इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी सो so, मेरी इन बातों को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और कमेंट्स भी कीजिए और आपका अगर तजर्बा तो भी इस तरह का रहा हो तो प्लीज़ वो भी आप शेयर कीजिए थैंक यू सो मच खुश रहिए, बहुत सारी ब्लैसिंग्स एंड हैव अ गुड डे